नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हमने पहले के दो तीन वीडियोस में यूपी पीजीटी टीजीटी के टॉपिक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के 2010 पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ग्रेजुएट पार्ट ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत अमूर्त बीजगणित पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। हम एक टॉपिक 11th 12th लेवल का लेंगे और एक टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल का लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर पहले ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स को अल्टरनेट लेते रहे हैं। तो चलिए, इसी कड़ी में हमने ग्रुप थ्योरी अमूर्त बीजगणित के जो टॉपिक लिया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, कई बार पहले पूछा जाता रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ इन ए ग्रुप जी, किसी समूह जी में ए टू द पावर 5 इक्वल टू ई, ये मुझे दिया गया है एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन मुझे दी गई है कि ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी देन ऑर्डर ऑफ बी। तो दोस्तों, ऐसे केस में उसने बी का ऑर्डर पूछा है। देखिए, ए की पावर 5 इक्वल टू ई, इट मींस कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। वो तो आपको दिख रहा है कि ए का ऑर्डर 5 है, उसने पूछा है बी का ऑर्डर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हमको गिवन क्या क्या है, ए टू दी पावर 5 इक्वल टू ई एंड ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दोनों कंडीशन हमको दी हुई है। नाउ अब हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं जो हमको गिवन है, दैट इज ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मैं इसमें ए ए और ए इनवर्स से इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने ए और राइट हैंड साइड में भी मैंने ए इनवर्स दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर बी एज इट इज रहेगा, ए इनवर्स का मतलब ए इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए, यहां से हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं, जब मुझे ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा हुआ है, दोस्तों ये ए बी ए इनवर्स ये मेरा पूरा एक बी की तरह काम करेगा। तो कितना आएगा, जब ए बी ए इनवर्स बी स्क्वायर था तो मेरा ए बी स्क्वायर ए इनवर्स कितना आएगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, मेरा बी की जगह पे कितना है, बी स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी ए माइनस टू इक्वल टू बी की पावर 4 इक्वेशन नंबर 2। अब इसी प्रोसेस को दोस्तों मुझे करता जाना है, मैं कब तक करूंगा, जब तक कि मुझे ए की पावर 5 नहीं मिल जाएगी जो मुझे गिवन है। चलिए अब देखिए, ए स्क्वायर बी ए इनवर्स माइनस टू एज इट इज, ए और ए इनवर्स का मैं दोनों तरफ प्रोडक्ट कर रहा हूं, ध्यान रखिए प्रोडक्ट है ही। तो ए ए स्क्वायर कितना हुआ, ए टू दी पावर 3 बी ए टू दी पावर माइनस का 3 इक्वल टू। अब देखिए, यहां फिर वही कंडीशन लगाएंगे हम, ये इक्वेशन 1 वाली, जब ए बी ए इनवर्स बी स्क्वायर था, दोस्तों मुझे यहाँ बी की जगह पे कितना गिवन है, बी की पावर 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी 4 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर तो आना ही है, बी की जगह मुझे बी की पावर 4 गिवन है। दोस्तों मैं क्या लिख पाऊंगा, ए क्यूब बी ए माइनस 3 इक्वल टू बी टू दी पावर 8। दोस्तों मैं इसी प्रोसेस को आगे करता जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि ए 4 बी ए टू दी पावर माइनस 4 कितना मिल जाएगा आपको, बी टू दी पावर 16 मिलेगा। और इसी टाइप से मैं अगर करता जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे ए टू दी पावर 5 तक आना है, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये मुझे दैट विल बी बी की पावर 32। यहां पर आने के बाद आपको रुक जाना है, क्योंकि यहां से आपका काम शुरू होगा। अब देखिए, ये सभी नंबर्स जो थे वो एज ए प्रोडक्ट के रूप में थे, तो मैं बी को उधर ले जाऊंगा, तो दोस्तों मुझे क्या मिल जाएगा, ए की पावर 5 और ए की पावर माइनस 5 इक्वल टू बी टू दी पावर 31। ये आप जानते हैं ये क्या बनाता है, ये हमको ई बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। तो दोस्तों ये बन जाएगा ई इक्वल टू बी टू दी पावर 31। बस यहां तक हमारा काम हो गया। इट मींस आई कैन से दैट ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 31। इट मींस हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यूपी पीजीटी टीजीटी के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, उन सभी का सॉल्यूशन, चाहे वो 11th 12th लेवल के टॉपिक्स हों, आइदर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, सभी के क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्टिव लेवल से करवा दूंगा। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप, इनमें से
कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमको गिवन है वन ओमेगा स्क्वायर डॉट, बी ऑप्शन है मेरे को वन माइनस वन डॉट, सी ऑप्शन है मेरे को वन माइनस वन प्लस, और जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो है वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा एंड दैट इज डॉट, ठीक है। ये चार ऑप्शन मुझे गिवन है, ठीक है, सॉल्यूशन। ओके क्वेश्चन भी ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप, हमें यहाँ पर चार स्ट्रक्चर दिए गए हैं इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है टू फॉर्म अ ग्रुप, कोई भी मुझे ग्रुप बनाने के लिए एटलीस्ट आई नीड फोर पोस्टुलेट्स, मुझे कम से कम चार गुणधर्म उसको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो आपका आएगा इसमें क्लोजर लो, मतलब कि समरथ गुणधर्म, ठीक है। दूसरा आएगा एसोसिएटिव लो, ये हम देख रहे हैं कि भाई किसी भी स्ट्रक्चर को ग्रुप बनने के लिए कम से कम से चार पोस्टुलेट्स, चार गुणधर्मों का पालन करना आवश्यक है। एसोसिएटिव लो दैट इज सहचारी नियम। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब तत्समक का अस्तित्व। और चौथा आएगा, ठीक है, फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब कि प्रतिलोम का अस्तित्व। दोस्तों ये कम से कम चार मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है जो किसी भी स्ट्रक्चर को ग्रुप बनाने के लिए जरूरी है। क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। दोस्तों इसमें ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मुझे पूछा जाता है ग्रुप है कि नहीं, ज्यादातर क्लोजर लो हम चेक करते हैं और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन तीन को चेक कर लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको यूज करने की जरूरत हमें कम पड़ती है टू डिडक्ट whether the given structure is group or not। चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं, हमें जो चार स्ट्रक्चर दिए हुए हैं दोस्तों इसमें हम कैसे पता करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप इस पहले वाले को देखेंगे, सबसे पहले मैं चेक करूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो कि आपको देखने पर से पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो ऑपरेशन गिवन है डॉट को पता है कि अगर जो प्रोडक्ट और जो डॉट उनको ऑपरेशन गिवन है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वन, और जो सम और जो एडिशन जो उनको दिया होता है ऑपरेशन उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो। तो जो भी मुझे स्ट्रक्चर गिवन है उसमें एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर डॉट है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट वन है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। इस सेकेंड ऑप्शन के अंदर यहाँ भी मुझे ऑपरेशन डॉट दिया हुआ, इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट वन, ये भी मुझे यहाँ दिया हुआ है। डी ऑप्शन के अंदर दोस्तों फिर ऑपरेशन मेरा डॉट है, इसके लिए भी यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट गिवन है, लेकिन ऑप्शन सी में आप देखेंगे दोस्तों कि मुझे यहाँ पर ऑपरेशन प्लस दिया हुआ है, एडिशन का है, लेकिन यहाँ पर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एब्सेंट है, नदारद है, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि जीरो होना चाहिए था, एटलीस्ट जीरो यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए था तब जाकर के ये स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप बनता, पर देयर इज लैक ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें हमारे पास तस्मक के अवयव नदारद है, अनुपस्थित है, इसलिए दोस्तों ये हमारा जो आंसर होगा दैट इज नॉट अ ग्रुप, यह एक ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कि किस रीजन से ये ग्रुप नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको कोई बहुत ज्यादा चारों आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा केवल एक से काम चल जाएगा कि इसमें जो ऑप्शन प्लस गिवन है प्लस के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होना चाहिए जो कि यहाँ एब्सेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ जाइए अपने में क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, जनरली एक क्वेश्चन इसी टाइप से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको स्ट्रक्चर दे दिए जाते हैं तीन चार को पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ग्रुप है या नहीं है। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वाइन इनकरेक्ट,
ज्यादातर क्वेश्चन आजकल इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। सेकेंड ऑप्शन है एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक। अभी दोस्तों इन दोनों से एक ही सही होने वाला है, एवरी ग्रुप इज साइक्लिक। तीसरा है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन। ठीक है, चलिए इतने में हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो आपको खास बात जो आपको नोटिस करनी है इसमें कि फाइंड इनकरेक्ट कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले इसमें जो बात आ रही है दोस्तों वो आपके साइक्लिक ग्रुप की है, तो हम इसके पीछे एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो मैं आपको प्ले लिस्ट में डाल दूंगा उससे डिस्कशन। अभी हम यहाँ केवल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साइक्लिक ग्रुप के अंदर जनरली हम जानते हैं कि ऐसा ग्रुप जिसके एलिमेंट को हम पूर्णांक घातों के रूप में डिनोट कर सके, मतलब ए की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, दोस्तों वो मेरा क्या हो जाता है, वो एक साइक्लिक ग्रुप हो जाता है जिसके अवयवों को हम उसके पूर्णांक घातों के रूप में डिनोट कर सकें, ए टू दी पावर एन फॉर्म में लिख सकें फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, इस टाइप से। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ओके दैट एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक। दोस्तों हमारा इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये वाला है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप तो आपको समझ में आया, क्या होगा दैट इज कम्यूटेटिव ग्रुप, जो चार पोस्टुलेट्स थे कम्यूटेटिविटी, एक्जिस्टेंस ऑफ क्लोजर, एक्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्ट ऑफ इनवर्स के बाद चौथा जो पोस्टुलेट है वो अबेलियन के लिए क्या होता है कम्यूटेटिविटी। तो एवरी अबेलियन ग्रुप, तो दोस्तों इसमें मैं दो एग्जाम्पल दूंगा, दैट इज क्लाइन फोन ग्रुप ई ए बी सी, ये भी आपके पास में क्या है इज एन अबेलियन ग्रुप है, ये एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, ये एक अबेलियन ग्रुप है बट नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, ई ए बी सी उसको मैं क्या लिख सकता हूँ डॉट के लिए लिख सकता हूँ। ठीक है, दैट इज ई ए बी सी उसको मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फॉर उसको हम एक डॉट या संक्रिया स्टार के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज एन अबेलियन ग्रुप है बट नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ आर कॉमा प्लस, ये भी आप देख सकते हो कि एक अबेलियन ग्रुप है लेकिन नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है इसका जो मैं बताया था आपको, इसमें देखिए दोस्तों चार एलिमेंट है। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए कम से कम आपके पास में ए टू दी पावर एन इक्वल टू ई, मतलब कि आपके पास में मैं ई को चार बार मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों मेरे पास में वापिस ई आना चाहिए, ए को भी मैं चार बार मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास में ई आना चाहिए, बी को भी चार बार करूंगा तब मेरे पास में ई आना चाहिए, सी को भी चार बार करूंगा तब मेरे पास में ई आना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे जब इसके आप टेबल बनाएंगे तो उसको चार बार से पहले ही ये मल्टीप्लाई करने पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट देना शुरू कर देगा। ठीक है, इस वजह से ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, है ना। इसकी टेबल, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपको साइक्लिक ग्रुप को लेकर। अभी तो क्या हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप कब होगा, जिसकी इसका ऑर्डर कितना है, चार ऑर्डर का ग्रुप है ये 1 2 3 4। तो मैं किसी भी एलिमेंट को दूंगा तो उसकी जो पावर चार करने पर ही मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि मैं ई की पावर फोर करूंगा उसके पहले ई की पावर भी ई के बराबर होता है, ई की पावर टू भी ई के बराबर होता है, तो मेरे को चार तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चार कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये एट लिस्ट वन एलिमेंट इसका कम से कम एक ऐसा होना चाहिए कि मैं चार बार इसकी पावर लगाऊंगा तो मेरे को उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कि ई मिल जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो मुझे इसमें नहीं मिलेगा उसके पहले ही मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ जैसे कि मैं इसमें ए की पावर टू करूंगा तब भी दोस्तों मुझे ई मिल जाएगा, बी की पावर टू करूंगा तो भी दोस्तों मुझे ई मिल जाएगा, मतलब चार घात से पहले ही मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, इस वजह से साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल आप लेंगे आर कॉमा प्लस, ये भी एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा इसी बेस पर। दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब अवर चैनल और आगे भी इसी टाइप की वीडियोस मैं आपको डालता रहूंगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।